बरेली लोकसभा प्रत्याशी श्री छत्रपाल गंगवाल जी के समर्थन में आज पूरी लोकसभा से लोग अपना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि छत्रपाल गंगवाल लोकसभा के सांसद हो गए। हे देव, जो लोग आज भारत के विश्व गुरु बनने में सहायता कर रहे हैं उन पर कृपा बनाए रखना, उन पर कृपा बनाए रखना। और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका काम करने का ढंग और उत्तर प्रदेश में जैसे कानून व्यवस्था करके व्यापारियों को, समाज के प्रत्येक वर्ग को सुरक्षा देने का माहौल बनाया और एक रहने लायक प्रदेश बनाया और उत्तर प्रदेश को लगातार उत्तम प्रदेश बनाना, उसकी प्रक्रिया लगातार जारी है। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां अपने दमखम को लगा रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बरेली लोकसभा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार के समर्थन में भाजपाइयों ने रैली निकाली। रैली की शुरुआत भारत माता की जय के नारों से हुई और अब की बार 400 पार लिखी तख्तियां लेकर बीजेपी समर्थक सड़कों पर उतरे और भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार को वोट देने की अपील की। ये रोड शो बरेली के किला से प्रारंभ हुआ और कुतुबखाना, शिवाजी मार्ग, मठ की चौकी, साहू गोपीनाथ, श्यामगंज चौराहा होते हुए काली मंदिर कालीबाड़ी पर इसका समापन होगा। इस मौके पर गुलशन आनंद ने कहा कि पूरी लोकसभा से भाजपा समर्थक छत्रपाल के समर्थन में प्रदर्शन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करके यह साबित कर दिया कि छत्रपाल गंगवार भाजपा के सांसद हो गए हैं। इस रैली में लगभग 2500 लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि छत्रपाल गंगवार एक ऐसा नाम है जिसको सभी प्यार करते हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी और योगी जी के नेतृत्व में छत्रपाल गंगवार की जीत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि दुकानदार पुष्प वर्षा के लिए और रैली में शामिल लोगों के लिए नाश्ता कराने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग सहायता कर रहे हैं भारत को विश्व गुरु बनाने में, उन पर कृपा बनी रहे। बरेली लोकसभा प्रत्याशी श्री छत्रपाल गंगवाल जी के समर्थन में आज पूरी लोकसभा से लोग अपना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि छत्रपाल गंगवाल लोकसभा के सांसद हो गए। ये कोई घमंड की बात नहीं है। ये जो पूरा वातावरण पांचों विधानसभाओं में नजर आ रहा है, ये उसका असर है। हमने 11 बजे का समय प्रारंभ करने का, एकत्रीकरण का दिया था। मुझे लगता है कम से कम 2500 आदमी यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। और ये छत्रपाल गंगवार जी एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम है और वे कमल का फूल है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी भी साथ में हैं और वे जनता जनार्दन का साथ है। हमारा कार्यकर्ता अति उत्साह में नहीं है, वोट वाला काम भी कर रहा है, लेकिन सड़क पर आकर ये एहसास भी दिला रहा है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी रोशनी चारों ओर, हम होंगे। दिल्ली तिलक इंटर कॉलेज से कुतुबखाना होते हुए शिवाजी मार्ग, साहू गोपीनाथ, आदिशक्ति माँ भवानी का स्वरूप है काली माता मंदिर पर समापन होगा इसका, बहुत धूमधाम के साथ। और लोग, दुकानदार तैयार है रास्ते में पुष्प वर्षा के लिए, जल पिलाने के लिए, नाश्ता कराने के लिए। हे देव, जो लोग आज भारत के विश्व गुरु बनने में सहायता कर रहे हैं उन पर कृपा बनाए रखना, उन पर कृपा बनाए रखना। बहुत धन्यवाद। वहीं इस मौके पर कौशल विकास मंत्री कपिल देव ने कहा कि वर्तमान में मैं बरेली में हूं और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हमारे संगठन ने जनसेवा करने के लिए, कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार बहुत ही ऊर्जावान प्रत्याशी है। मैंने लोकसभा के अलग अलग स्थान पर भ्रमण किया और मैंने देखा कि छत्रपाल गंगवार के लिए तथा भारतीय जनता पार्टी के लिए अपार जन समर्थन मिल रहा है। छत्रपाल गंगवार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को रहने लायक बनाया और उत्तम प्रदेश बनाया जा रहा है, उसे सभी देख रहे हैं। GDP लगातार बढ़ रही है, प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है। उन्होंने कहा कि सभी 80 सांसदों की तरह छत्रपाल गंगवार भी बरेली की सीट जीत कर जाएंगे और उन्हें भरपूर मत मिलने वाले हैं।
भाजपा की बरेली की अंतरकलह पर बोले कि इतना बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। फिलहाल जो भी बात थी उसको आपस में बैठकर निपटा दिया गया है, अब कोई भी विवाद नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें बीजेपी जीत रही है और हमने कई जगह जाकर यह देखा, भाजपा को अपार जन समर्थन मिल रहा है और हमें ऐसा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। देखिए वर्तमान में बरेली में हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संगठन ने बरेली में जनसेवा करने के लिए, कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निवेदन और मोटिवेट करने के लिए मेरी यहाँ जिम्मेदारी है। और मुझको लगता है जो वर्तमान में हमारे प्रत्याशी हैं श्री सतपाल गंगवार बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता है, बहुत परिश्रमी है, संगठन के कार्यकर्ता है और लंबे समय से भारतीय पार्टी से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़ा प्रत्याशी बनाया है, एक शानदार सुलझे प्रत्याशी हैं। और जिस प्रकार मैं यहाँ देख रहा हूँ पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर मेरा भ्रमण हुआ है, बहुत शानदार उनको समर्थन, उनको सहयोग, जनता का प्यार, बहुत उल्लास हमारे नौजवानों में है, महिलाओं में, बेटियों में, युवाओं में बहुत शानदार उल्लास है। और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैसे जीतें इसके लिए हमारे विधायकगण, संगठन के सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व, उनके काम करने की शैली और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका काम करने का ढंग और उत्तर प्रदेश में जैसे उन कानून व्यवस्था करके व्यापारियों को, समाज के प्रत्येक वर्ग को सुरक्षा देने का माहौल बनाया और एक रहने लायक प्रदेश बनाया और उत्तर प्रदेश को लगातार उत्तम प्रदेश बनाना उसकी प्रक्रिया लगातार जारी है, GDP लगातार बढ़ रही है, सुरक्षा का माहौल है, देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा कामयाब और मजबूत हुई है। तो मुझको लगता है कि सतपाल गंगवाल जी सभी 80 सांसदों की तरह बरेली की सीट भी जीत करके जाएंगे, भरपूर मत हमको मिलने वाले हैं, भरपूर मतों से हम जीते ऐसा हमको भरोसा है। बरेली में भाजपा में कुछ अंतर्कलह देखने में आई है? अब इतना बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बातें होती हैं पर वे सब बातें बैठ कर सुलझा दी गई हैं। इस समय एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसमें कोई कलह हो, कोई नाराजगी हो, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और सब लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने और श्री सतपाल गंगवार को विजय कराने में लगातार लगे। देखिए मैं उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता हूँ और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने 80 सीटों को जीतने का आह्वान किया है और कई सीटों पर मेरा भी जाना हुआ है, कम से 12वां या 14वीं सीट पर मैं हूँ। तो लगातार ऐसी सभी सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़त बनाए में जीत रहे हैं सब वर्गों का समर्थन। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी 36 कौमों का वोट, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और सब उनको वोट दे रहे हैं और सभी सीटें हम जीतेंगे ऐसा हमको भरोसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।